और कहीं से चंदा नहीं आ रहा है और पूरा असर पड़ा है बाजार का गणपति मंडलों के घर। इसमें ऐसी मान्यता है कि लोग सोने के जो भी चढ़ाते हैं वो इस समय रुक गया है बिकॉज अब आज जो सोना है आसमान पे गया है। चढ़ावे के रूप में जो सोना चांदी गणेश उत्सव के दौरान चढ़ाया जाता है उसमें इस बार कमी देखने को मिल सकती है और जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। यही वजह है कि सबसे बड़े जो सोने और चांदी की खरीदी के लिए मार्केट जाना जाता है दागिना मार्केट मुंबई का, वहाँ पर चहल पहल जो है वो कम देखने को मिल रही है। सोना इंटरनेशनली भी आसमान पे चला गया है। जो सोना कुछ 3 महीने पहले 1145 1150 के आसपास था आज वो सोना 1540 के आसपास चल रहा है और आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी तेजी है। हम जहाँ तक हिंदुस्तान में फेस्टिव सीजन चलते हैं जहाँ पे एक सेंटिमेंटल वैल्यू है सोना बाय करने की और हर ओकेज़न पे सोना बाय करते हैं लोग, जैसे कि अभी रक्षाबंधन गया तो रक्षाबंधन भी हमारी कुछ बहुत सारी तैयारी थी लेकिन हम फेल हुए। अब इस समय गणपति गणेश चतुर्थी के मतलब गणपति के लोग मंडल लोग लोग लेके आते हैं उनके लिए भी लोग सोने की बाय करते हैं, कुछ भंडार में डालने के लिए सिक्के वगैरह बनते हैं, कुछ गणपति दादा के हाथ के कुंडल बनते हैं, कान के कुंडल बनते हैं, गले के बड़े नेकलेस बनते हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं है। और जब कारण पूछा तो उनको ऐसा मालूम पड़ा कि भाई उनको जो मंडल को जो पैसा आना चाहिए जो डोनेशन आता है एरिया वाइज जो लोग ऐड करते हैं बैनर बनाते हैं वो भी उनके पास में अब की बार इस बार सोने की तेजी की वजह से नहीं आई और भी कई कारण बने हैं जैसे कि इकोनॉमी भी इंडिया की स्लो चल रही है। इस साल थोड़ा मंदी है देखने जाएंगे तो, और जो एडवर्टाइजिंग आता था वो भी बंद ही है एक्चुअली और कहीं से चंदा नहीं आ रहा है और पूरा असर पड़ा है बाजार का गणपति मंडलों के घर। कितना असर दिखता है आपको, क्या क्या आप लोग समझे 50% के ऊपर ही असर है। जैसा समझे किसी का 1000-2000 रहता उनका 500 ही आ रहा है। जैसा ऐड काम को कुछ मिलता था वो सब काम बंद ही है। आप देख रहे हो अभी तक तो सब बैनर लग जाते थे लेकिन इस साल कुछ नहीं लगा। इस बार लाइटिंग बंद की, हमने लाइटिंग लगाई नहीं है, वो कम किया है, वो दूसरा प्रोग्राम सब कैंसिल कर दिया है। हम लोगों ने एकदम जितने ठंडे हो सकते वो हिसाब से किया है।